देश की सबसे पुरानी पार्टी के नए अध्यक्ष की ताजपोशी पर कांग्रेसियों को लंबे अरसे बाद पटाखे फोड़ने का मौका मिला। कांग्रेस के लिए मौका खुशी का था। हालांकि ये बात अलग है कि राहुल के गांधी परिवार में पैदा होने के साथ उनका नाम अध्यक्ष पद के लिए तय हो गया था, लेकिन राहुल के सुप्रीम कुर्सी पर बैठते ही कांग्रेसी कार्यकर्ता इस कदर जोश में आ गए कि सोनिया गांधी के लिए ही मुसीबत बन गए। मौका था बतौर अध्यक्ष सोनिया गांधी के आखिरी संबोधन का, लेकिन कांग्रेसी इस कदर जश्न में डूबे थे कि सोनिया गांधी को दो बार अपना भाषण रोकना पड़ा। यही नहीं, सोनिया की अपील को अनसुना करने पर जनार्दन द्विवेदी ने पटाखेबाजी बंद करने का अनुरोध किया, लेकिन राहुल के समर्थक ने किसी की ना सुनी। खुद राहुल ने सोनिया गांधी को आतिशबाजी को नजरअंदाज करने को कहा। अब आप भी देखिए कि आखिर एक पल के लिए कैसा हो गया था नजारा। आज मैं आखिरी बार आपको कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में संबोधित कर रही हूँ। एक नया दौर, एक नए नेतृत्व की उम्मीद आपके सामने है। सेवा दल के साथियों से अनुरोध है कि पटाखे फौरन बंद कराएं। सेवा दल के सभी साथियों से अनुरोध है पटाखे बंद कराएं। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का संबोधन हो रहा है। My voice calls.